अस्सलाम वालेकुम, राधा की किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाएंगे राधा के किचन में चिकन अचारी मसाला। चिकन अचारी मसाले में आप लोग अचार का मसाला या अचार भी थोड़ा से उसमें डालकर बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है ये हमारा चिकन अचारी मसाला। मिर्ची में हम लोग अचार का मसाला भर के चिकन अचारी मसाला बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी, तो चलते हैं चिकन अचारी मसाला बनाने की तरफ। यहाँ पर ली हूँ मैंने चिकन बोन्स के साथ ली हूँ। ये 600 ग्राम चिकन है। तो चिकन को पहले हम लोग मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार लेना। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ली हूँ और यहाँ पर एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ कलर के लिए। और थोड़ी सी हल्दी लेंगे। तो यहाँ पर नमक है, मिर्च है और हल्दी है, तीनों भी इसी में डाल देंगे। 100 ग्राम दही है, ये भी डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल देंगे इसी में। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच ली हूँ आम का अचार और इसका थोड़ा सा तेल डाल देंगे, राई का तेल। इससे थोड़ा हमारा टेस्ट अच्छा आ जाएगा चिकन में। और अचार हम लोग ऊपर से डाल देंगे पकने के बाद। और इसको अच्छे से हाथों की मदद से, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चिकन और मसाले को अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ली हूँ मैंने एक बड़ा चम्मच भर के अक्खी धनिया, आधा छोटा चम्मच लेंगे सौंफ, आधा छोटा चम्मच लेंगे काली मिर्च, पाव चम्मच लेंगे मेथी दाना, ज़्यादा नहीं लेंगे इससे कड़वापन ज़्यादा आ जाता। और यह है सूखी लाल मिर्च 6 से 7, आप अपने तीखे के हिसाब से ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लेंगे कलौंजी और आधा छोटा चम्मच लेंगे जीरा। अब सभी को अच्छे से रोस्ट करके दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर सभी मसाले डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, हल्का से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इसको भुनेंगे नहीं क्योंकि पकने में भी ये अच्छे से भुन जाएगा मसाले में। अब यहाँ पर हमारे सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको ठंडा करके मैं आपको दरदरा पाउडर बना के बताती हूँ। तो यहाँ पर सभी मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मिक्सर में डाल के इसको दरदरा पाउडर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पाउडर तैयार हो चुका है, दरदरा पाउडर। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब यहाँ पर मैंने पूरा मसाला पीस लिया। अब इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से मिर्ची में भर लेंगे। इस तरह से कोई भी मोटी मिर्ची ले लेना अचार के टाइप की। तो ऐसा बीच में से चीरा लगा के, बीज निकालने तो निकाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसा मसाला भर लेंगे ताकि इसमें भी हमारा अचार का अच्छा खासा टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से मैं आपको पूरे भर के बताती हूँ। इस तरह से मैंने मसाला इसमें मिर्ची में भर ली हूँ, तो इस तरह से आप लोग भी भर लेना। और ये मसाला है, अब ये पकाने के टाइम हमारा यूज़ हो जाएगा पूरा मसाला। अब एक लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल के। यहाँ पर 2 बड़ी प्याज लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। आप लोग चॉपर की मदद से भी कर सकते, तो इस तरह से काट लेंगे। अगर ग्रेवी ज़्यादा बनाने तो आप लोग 3 प्याज भी ले सकते। अब यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज को हल्की ब्राउन होने तक तेल में भून लेंगे। ब्राउन हो चुकी है, अब डाल देंगे इसमें, अब डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे इसको। यहाँ पर हमारी चिकन की अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है, तेल भी सेपरेट हो चुका है इसमें से। अब डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर 3 टमाटर ली हूँ जिसको मैंने बारीक पीस ली हूँ। ऐसी टमाटर की प्यूरी आप लोग भी बना लेना। और साथ में डाल देंगे अचारी मसाला 1 चम्मच भर का। अब अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे इसको, जब तक हमारा टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता तब तक इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब यहाँ चिकन हमारा मसाले के साथ अच्छे से भुन चुका है, अब डाल देंगे थोड़ा मसाले का बचा हुआ पानी। 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे ढक्कन ढक के। अब यहाँ पर हमारा मसाला चिकन पूरा अच्छे से भुन चुका है और अच्छी तरी छूट चुकी है इसमें, तो बहुत अच्छी इसमें मसाले की खुशबू आ रही है अचार की। तो अब इसमें डाल देंगे हम लोग ये हरी मिर्च जिसमें मसाला भर के रखे। आप लोग इसको थोड़ा हल्का फ्राई करके भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ पर ये अचार है, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप किया हल्के हल्के से, और इसको भी डाल देंगे। थोड़ा ये हल्का हल्का आता तो बहुत ही
अच्छा लगता है मुँह के अंदर एक करंची पर। तो इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। अचार डालने से एक अच्छा उसमें अचार का टेस्ट आएगा और करंची पर आएगा और बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। तो आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। तो इसको अब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर पकने के लिए। इसके बाद मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छा बनता है खाने में ये। तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ऊपर से अगर आपको डालना है तो 1 चम्मच और मसाला इसमें डाल सकते हैं अचार का। तो ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे मसाला। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखा आप लोगों ने कितना बेहतरीन सालन बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बना है, चटपटा टेस्ट आता है। तो आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छा बनता है खाने में ये। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।